आज हम तीन चीजों पर आपका बताने वाले हैं। पहला तो ये है कि मधुमेह के रोगी को कैसे पता चलेगा कि उसकी रक्त शर्करा नियंत्रण में है कि नहीं। इसमें सर्वप्रथम जो मैं बताऊंगा वो है सेल्फ होम ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, और आगे मैं आपको दो चीज औरों के बारे में बताऊंगा, फ्रुक्टोसमीन एवं हीमोग्लोबिन A1C। इन तीनों जांचों में क्या करना चाहिए और क्या हमारी टारगेट्स हैं, हमारी लक्ष्य क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। जो सेल्फ होम ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग है, इसमें रोगी जो है उसको ट्रेन किया जाता है कि वह स्वयं अपने रक्त की शर्करा की जांच करे, और इसके लिए वो एक मशीन का प्रयोग करता है जिसका नाम होता है ग्लूकोमीटर। ये मशीन का प्रयोग करना अत्यंत सरल है और एक पत्तियों द्वारा की जाती है, और इन पत्तियों में खूबी ये है कि एक पत्ती का दाम से 14 या 15 रुपये पड़ता है, जबकि अगर आप बाज़ार में जाके कहीं खून की जांच करवाएं किसी लेबॉरेटरी में तो उसका 50 या 100 रुपये लग जाते हैं। दूसरा इस ग्लूकोमीटर से जांच का लाभ यह है कि रात के बीच में किसी समय जब परेशानी हो रही हो उस समय भी आप स्वयं जांच कर सकते हैं, बजाय कि आप किसी लेबॉरेटरी में जाएं और वहां जांच करवाएं, यानी ये आपके संग हमेशा सहायक है। तो ये जांच कब कब की जाती है? एक तो सुबह सुबह खाली पेट, दूसरा नाश्ता दिन का खाना और रात के खाने के 90 मिनट पश्चात, और हमारे लक्ष्य ये होता है कि खाली पेट का शर्करा करीबन 100 से 110 के बीच में हो, और खाना खाने के 1.5 घंटे बाद वाला शर्करा करीबन 160 से 170 के बीच में हो।